राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कूल्हे का इलाज कराने के लिए एक मरीज लगभग 20 दिन से अस्पताल प्रबंधन की नज़रें इनायत होने की राह देख रहा है। राजनांदगांव के तुलसीपुर के रहने वाले विजेंदर सिंह की कूल्हे की हड्डी में काफ़ी तकलीफ है। गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण विजेंदर निजी अस्पताल में इलाज कराने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा वह 20 जनवरी से राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज की राह ताक रहा है। पेशे से ड्राइवर विजेंदर का कहना है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उपकरणों की कमी का हवाला देकर उनका स्थानीय अस्पताल में उपचार करने से इनकार कर दिया है। मरीज विजेंद्र सिंह का कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह बाहर इलाज कराने में सक्षम नहीं है। इधर भाजपा के जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने मरीज से प्रत्यक्ष मुलाकात करते हुए अस्पताल प्रबंधन को फौरन इलाज कराने की मांग की है। जिलाध्यक्ष मधुसूदन का कहना है कि उपकरण का भुगतान नहीं होने के लिए मरीज के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाना उचित नहीं है। 30 साल से ट्रक चला रहा हूँ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, और 20 तारीख से यहाँ पे एडमिट हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरा इलाज। बीमारी ये कूल्हा का बम का जो बाउल है ना कूल्हा का, ये ख़राब हुआ, चेंज करना बस और कुछ नहीं। बोलते हैं सामान नहीं है, बोलते हैं पहले कोई किसी को दिया होगा, पेमेंट नहीं हुआ बोलते हैं, इसलिए रोका हुआ मेरा। यहीं करवाएंगे राज, गरीब आदमी कहाँ कहाँ भटकेगा। हम लोग 18 दिन तो यहीं हो गया हमारे को, बोलते हैं सामान नहीं हो पाएगा बोलते हैं। बताया जाता है कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में संसाधनों का अभाव भी काफ़ी है। कई बार वेतन को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर चुके हैं। वहीं उपकरण की सप्लाई करने वाली कंपनी का लंबे समय से प्रबंधन ने भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते कंपनी ने उपकरण की सप्लाई बंद कर दी है। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बेग ने मरीज के इलाज नहीं होने की अनभिज्ञता जताई, साथ ही कहा कि वे फिलहाल छुट्टी में हैं, फिर भी मरीज के संबंध में जानकारी लेंगे और यथोचित उपचार करने की व्यवस्था करने की उन्होंने बात कही। मैं छुट्टी में हूँ, पता करता हूँ, क्या नाम बताइए। विजेंदर सिंह नाम है सर, विजेंदर सिंह। ठीक है, पता करता हूँ क्या। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही साधन सुविधाओं को लेकर संघर्ष करता रहा है। फिलहाल एक मरीज अपने इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन पर मेहरबानी की टकटकी लगाए बैठा है। अब देखना होगा कि अधीक्षक के द्वारा क्या ठोस कदम उठाया जाता है। देश टीवी के लिए राजनांदगांव से प्रदीप मिश्राम की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।